एक ओर सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं देने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर बीमांक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गांव में करीब एक पखवाड़े से टिटानिस व रेबीज इंजेक्शन का अभाव है, जिसके कारण स्वान के काटने से ग्रसित मरीजों को खरगोन बढ़वाने के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। उसके बाद भी मजबूरन बाजार से खरीद कर महंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वह स्वास्थ्य केंद्र पर इंजेक्शन कब आएंगे पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। समीप ग्राम पंचायत खोलगांव के ग्राम मालीपुरा के घीसीलाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर श्वान के काटने पर रेबीज इंजेक्शन लगवाए गए थे, लेकिन उन्हें भी बैरंग लौटना पड़ा, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 60 से अधिक आदिवासी बाहुल्य ग्राम के जुटे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन एक दो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन टीटी व रेबीज इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल में क्यों आए थे? कुत्ता काटा है, इंजेक्शन लगवाना है। तो क्या इंजेक्शन मिले नहीं आप? इंजेक्शन नहीं मिले। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब क्या कब आया नहीं मालूम। तो अभी कुत्ते काटने का इंजेक्शन है नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल में? नहीं है ना? नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? घीसीलाल। कहाँ रहते हो? खुलगांव मालीपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।